Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are good. Today's class is from Hira Public Secondary School for class 1, subject English. My dear students, let's start our class. My dear bachcho, ab hum apni class shuru karte hain. First we open our English content page. Sabse pehle hum jo hai English ki course book ka content page kholenge, theek hai pyare bachcho? Look, dekhiye. ये हमारे इंग्लिश के कोर्स बुक का कंटेंट पेज. हमने प्रीवियस क्लास में यूनिट 3 एट द फर्म का जो है फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, एट द फर्म. ठीक, अब है हमारे पास सेकंड टॉपिक, अप एंड डाउन, जो क्या है, हमारी पोएम है. ठीक है बच्चों, ये कहाँ पर है? ऑन पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन योर इंग्लिश कोर्स बुक पेज नंबर 29. आप अपनी इंग्लिश की कोर्स बुक का पेज नंबर 29 खोलेंगे. ठीक पे है बच्चों? सी देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश की कोर्स बुक का पेज नंबर 29. ओके, यूनिट 3 सेकंड टॉपिक पोएम, अप एंड डाउन. अप एंड डाउन, अप मींस ऊपर एंड डाउन मींस नीचे. ठीक प्यारे बच्चों, मैं आपको इस पोएम के बारे में बताती चलूँ. ये पोएम जो है, ये कौन पढ़ रहा है ये पोएम? पेरेंट्स या फिर टीचर पढ़ रहे हैं. ठीक, हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे पहले क्या बनते हैं? टीचर बनते हैं. ठीक, हमें बोलना, हमें चलना, हमें खेलना, हमें लोगों से इंट्रैक्शन, बातचीत कौन करना सिखाता है? हमारे वालदैन सिखाते हैं. ठीक, यानी कि हमारे पहले उस्ताद कौन है? हमारे वालदैन. ठीक प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे टीचर्स जो हमें लोगों के साथ उठना बैठना सिखाते हैं, जो हमें तालीम देते हैं दीन की, दुनिया की, और हमें हमारी मदद करते हैं, हमें कॉन्फिडेंट देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं. ठीक प्यारे बच्चों, ये हमारे टीचर्स हैं. तो ये पोएम कौन पढ़ रहा है? हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स. ठीक, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव सम न्यू वर्ड्स. हमारे इस पोएम के अंदर जो है कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, हम उनसे रीड कर लेते हैं. वर्ड्स टू नो, अगेन, वंस मोर, बॉटम, द लोएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, वॉच आउट, टू लुक केयरफुली एंड बी रेडी फॉर समथिंग डेंजरस. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट रीडिंग ऑफ यूनिट ऑफ आर पोएम अप एंड डाउन. मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम अप एंड डाउन की. Remember, keep your finger on words. First, I read it and you will follow me. याद रखें, आपने words के ऊपर finger रखनी है. पहले मैं read करूँगी and then आप उसे follow करेंगे. ठीक है प्यारे बच्चों, now let's start. Hoppity hoppity hop hop hop, all the way up to the top top top, down again, skip skip skip. Watch out, go slowly or you will slip, slip, slip. Okay, my dear students, we repeat this stanza. Hoppity, hoppity, hop, hop, hop. All the way up to the top, top, top. Down again, skip, skip, skip. Watch out, go slowly or you will slip, slip, slip. Okay, my dear students, now we read second stanza. मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सेकेंड स्टैंजा रीड करेंगे. हॉपिटी हॉपिटी हॉप हॉप हॉप, ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप, डाउन अगेन जंप जंप जंप, डोंट फॉल टू द बॉटम बम बम बम. डियर स्टूडेंट्स, वी रिपीट इट. हॉपिटी हॉपिटी हॉप हॉप हॉप, ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप, down again, jump, jump, jump. Don't fall to the bottom, bum, bum, bum. Okay, my dear students, remember, keep practicing reading at home on daily basis. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी याद रखना है कि आपने daily basis पे reading को घर पे करना है लाजमी. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 3 अप एंड डाउन की पोएम की रीडिंग के बाद हम कॉपी वर्किंग की तरफ चलते हैं. इसमें सबसे पहले हमने इंडेक्स बनाने हैं. हमारी कॉपी का 6 वर्क है, इसलिए 6 डेट 28 2020, टॉपिक नेम अप एंड डाउन. इसके बाद हम बनाएंगे टाइटल, यूनिट 3 पोएम अप एंड डाउन.
डेट 28/2020। ठीक प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग डाली। इस तरह से प्रॉपर लाइंस में हमारे पास फाइव वर्ड्स मीनिंग है। फर्स्ट बॉटम, पेंदा या नीचे। सेकंड वॉच आउट, ध्यान रखना। थर्ड हॉप, कूदना। फोर्थ डाउन, नीचे। फिफ्थ फॉल, गिरना। ठीक प्यारे बच्चों, आपने इस तरह प्रॉपर साफ सुथरा काम करना। अब हमारे पास आती है बुक की एक्सरसाइज। हमें पास सबसे पहले है एक्सरसाइज ए, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, नज़म को समझना। ठीक, इसमें सबसे पहले हमसे कह रहे हैं टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। आपने अपनी टीचर से बात करनी है एंड देन आंसर। हमारे पास फाइव क्वेश्चन है जिसमें से हम फोर करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब आपने इसी तरह कॉपी की रेड लाइन पे क्वेश्चन आंसर की प्यारी प्यारी हेडिंग डालनी है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग इन द पोएम। आप बच्चों, आपको क्या लगता है कि कौन इस पोएम के अंदर बोल रहा है, कौन इस पोएम को पढ़ रहा है? आंसर, अ टीचर और अ पेरेंट, कोई भी उस्ताद या कोई भी वालदैन। ठीक, क्वेश्चन टू, हु इज़ क्लाइंबिंग द स्टेप्स। बच्चों बताएं कि कौन स्टेप्स चढ़ रहा है। आंसर, चिल्ड्रन, बच्चे चढ़ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन थ्री, हाउ आर द स्टेप्स क्लाइंब्ड। बच्चे किस तरह ये स्टेप्स चढ़ रहे हैं। आंसर, बाय हॉपिंग, कूदने के जरिए। ठीक, क्वेश्चन फोर, हाउ डू द चिल्ड्रन कम डाउन द स्टेप्स। बच्चे किस तरह नीचे उतर रहे हैं। आंसर, बाय स्किपिंग एंड जंपिंग, बच्चे कूदने के जरिए और फलांगने के जरिए नीचे उतर रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, हमने इसी तरह फोर क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में डन करने हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स, वर्ड्स के जरिए काम करें। बस ये एक्सरसाइज टू पेजेस पे जा रही है, पेज नंबर 30 एंड 31। बच्चों इसमें हमसे कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर, आपने पिक्चर को देखना है। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। आपको जो नीचे ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने इनको फिल करना है कैसे, पोएम में दिए गए वर्ड्स की मदद के जरिए। बच्चों मैं आपको इन ब्लैंक्स के मीनिंग भी समझा देती हूँ और इनके आंसर भी बता देती हूँ कि वो क्या आएंगे और कैसे आएंगे। ठीक, ए, द बॉय एंड द गर्ल आर डैश, बच्चा और बच्ची डैश कर रहे हैं। बच्चों आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये कूद रहे हैं ना, तो कूदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉपिंग। बी, द हॉर्स इज डैश ओवर द गेट, घोड़ा दरवाजे के ऊपर से डैश कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, आपको नज़र आ रहा है कूद रहा है ना, ये इसके ऊपर से छलांग लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जंपिंग। छलांग लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जंप, तो छलांग लगा रहा है तो क्या आएगा, जंपिंग। सी, द कैट इज क्लाइंबिंग डैश द स्टेयर्स, बिल्ली सीढ़ियों के ऊपर डैश कर रही है, चढ़ रही है। बच्चों इसका आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने क्या करना है, क्लाइंबिंग के ऊपर पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है और ब्लैंक के अंदर दोबारा इसको फिल करना है। ठीक, डी, द माउस इज रनिंग डैश द स्टेयर्स, छुआ भाग रहा है सीढ़ियों के डैश की तरफ, किस तरफ बच्चों, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है नीचे की तरफ ना, तो क्या आएगा, डाउन। ठीक, ई, द गर्ल ऑन द राइट इज डैश, सीधी तरफ जो लड़की है वो डैश कर रही है। बच्चों क्या कर रही है, रस्सी फलांग रही है ना, तो रस्सी फलांगने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्किपिंग। ठीक प्यारे बच्चों, आपने इस तरह अपनी फाइव ब्लैंक्स फिलअप करनी है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू वर्कबुक एक्सरसाइज। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम वर्कबुक के एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टेंट खोल लेते हैं, फर्स्ट वी ओपन द कॉन्टेंट। हमने अभी कोर्स बुक के अंदर जो है अप एंड डाउन यूनिट 3 का सेकेंड टॉपिक अप एंड डाउन की वर्किंग कम्प्लीट किए। देन वी आर गोइंग टू डू वर्कबुक एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। अब हम इस यूनिट की वर्कबुक की एक्सरसाइज कम्प्लीट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 23। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कबुक का पेज नंबर 23। ठीक, अप एंड डाउन, हमें इसकी एक्सरसाइज ए दी गई है, क्लेवर टॉम। क्लेवर टॉम, टॉम यहाँ पे एक बच्चे का नाम है जो कैसा बच्चा है, थोड़ा तेज सा बच्चा है, चालाक सा बच्चा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वन इसका कह रहा है, लुक एट द पिक्चर्स, आपने इन पिक्चर्स को देखना है। कैन यू टेल द स्टोरी, क्या आप इसकी स्टोरी बता सकते हैं। हम इसकी पिक्चर्स को देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, देन हम इसकी स्टोरी के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक, हमें यहाँ पे हर पिक्चर को एक लेटर दिया गया है। ठीक, पिक्चर ए, ए लेटर की पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, टॉम, यहाँ पे आपको एक बच्चा नज़र आ रहा है जिसका हमें ऊपर नाम दिया गया था, क्या नाम है, टॉम। ठीक, टॉम क्या कर रहा है, टॉम के हाथ में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक सॉ, सॉ यानी आरा।
वो क्या कर रहे हैं, आरे को लेकर जा रहे हैं, ठीक है, आरा आरे को लेकर जा रहे हैं, सौ उन्होंने कैरी किया हुआ है, ठीक। पिक्चर बी के अंदर क्या कर रहे हैं, दरख्त के ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, क्लाइम, ठीक। सी में वो जिस शाख पे दरख्त की जाके बैठे उसे क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, काट रहे हैं, ओहो हो। देन डी में क्या हो गया, जिस शाख पे वो बैठे थे उसको वो कटिंग कर रहे थे, वो कट गए कम्प्लीटली और फिर क्या हुआ, वो नीचे गिर गए। देन पिक्चर ई में क्या हुआ, वहाँ पे एक और पर्सन था टॉम के अलावा, ठीक है, जो उन्हें गिरता हुआ देखकर उनकी मदद को भागते हुए आ रहे हैं। पिक्चर एफ में क्या हो रहा है बच्चों, वो उनकी मदद कर रहे हैं, टॉम की मदद कर रहे हैं, ठीक। हमने ये इस पर बात कर ली पिक्चर्स पे, तो क्या अब हम स्टोरी बता सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल इसके ऊपर स्टोरी बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, राइट द करेक्ट लेटर्स इन ईच बॉक्स। आपने करेक्ट लेटर्स लिखने हर बॉक्स के अंदर, ठीक। आपको पिक्चर्स के लेटर जो है पिक्चर्स लेटर में दिए गए थे, अब आपने करेक्ट लेटर्स को यहाँ पे पुट अप करना है इन बॉक्सेस में। देन अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स, और इसके बाद एक्शन वर्ड्स, आपने एक्शन वर्ड्स याद है ना, जो भी कोई हम काम करते हैं उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमें क्या कह रहा है पॉइंट, टॉम इज कटिंग अ ब्रांच, टॉम ब्रांच को शाख को यानी कटिंग कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं। कौन सी पिक्चर में बच्चों काट रहे हैं, आपको नजर आ रही है कौन सी में कटिंग हो रही है, पिक्चर सी में, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी, ठीक। इसी तरह मिस्टर जॉन इज रनिंग, मिस्टर जॉन भाग रहे हैं, टॉम के अलावा एक और पर्सन था ना यहाँ पे, उन्हें क्या नाम दिया गया है, मिस्टर जॉन का। मिस्टर जॉन कौन सी पिक्चर में भाग रहे हैं बच्चों, ई में, एफ में, ई में, ठीक। तो हम सी के नीचे क्या लिख देंगे, ई, वेरी गुड। देन टॉम इज कैरिंग अ सॉ, टॉम जो है सॉ आरे को लेकर जा रहे हैं, कौन से पिक्चर में, पिक्चर ए में, वेरी गुड। मिस्टर जॉन इज हेल्पिंग टॉम, मिस्टर जॉन जो है टॉम की मदद कर रहे हैं, कौन से पिक्चर में कर रहे हैं, पिक्चर एफ में, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ, इस तरह प्यारा प्यारा सा। टॉम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, टॉम दरख्त पे चढ़ रहे हैं, कौन से पिक्चर में चढ़ रहे हैं, पिक्चर सी में, ठीक। तो हम यहाँ पे सॉरी पिक्चर बी में, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक। टॉम इज फॉलिंग, टॉम गिर रहे हैं, कौन सी पिक्चर में टॉम गिर रहा है बच्चों, पिक्चर डी में, ठीक। तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स। अब हमें एक्शन वर्ड्स यानी जो कोई काम हम कर रहे हैं उन वर्ड्स को हमने अंडरलाइन करना है। फर्स्ट में टॉम क्या कर रहे हैं, ब्रांच को काट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कटिंग, तो हम अंडरलाइन कर देंगे कटिंग को, ठीक। मिस्टर जॉन इज रनिंग, मिस्टर जॉन भाग रहे हैं, मिस्टर जॉन क्या काम कर रहे हैं, भागने का, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे रनिंग पे, वेरी गुड। देन इसी तरह टॉम इज केयरिंग अ सॉ, टॉम्स आरे को लेकर जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आरे को लेकर जा रहे हैं ना, तो केयरिंग, ठीक। इसी तरह मिस्टर जॉन इज हेल्पिंग टॉम, मिस्टर जॉन जो है टॉम की मदद कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, देन हेल्पिंग, वेरी गुड। टॉम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, टॉम दरख्त पे चढ़ रहा है, तो इसमें क्या काम कर रहे हैं, वो चढ़ने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लाइंबिंग, वेरी गुड। इसी तरह टॉम इज फॉलिंग, टॉम गिर रहे हैं, तो इसमें गिरना काम हुआ ना, ठीक, हमने यहाँ अंडरलाइन कर ली, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह हमारी एक्सरसाइज ए का पार्ट वन एंड टू कंप्लीट हुआ। देन वी हैव एक्सरसाइज पार्ट थ्री, एक्सरसाइज ए पार्ट थ्री, इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज ए का पार्ट थ्री, ठीक। राइट द सेंटेंसेज ऑन पेज नंबर 23 इन द करेक्ट ऑर्डर बिलो। आपको 23 पेज नंबर पे जो सेंटेंसेज दिए गए हैं वो आपने करेक्ट ऑर्डर में यानी तरतीब से नीचे दिए गए लाइंस में कंप्लीट करने। जस्ट लाइक आपके फर्स्ट मैंने आपके लिए डन किया हुआ है, ये देखें ए, हमारे पास ए, यहाँ पे हमने कौन से बॉक्स को ए दिया था, थर्ड बॉक्स को, हमारे पास क्या पॉइंट था, टॉम इज केयरिंग अ सॉ,
ठीक, हमारे पास ये सेंटेंस था तो हमने यहाँ पे ए के अंदर उसे राइट डाउन कर दिया, टॉम इज केयरिंग अ सॉ। ठीक, इसी तरह अब आपने यहाँ पे देखना है बी कहाँ है, ये रहा बी में क्या है, टॉम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टॉम इज क्लाइंबिंग अ ट्री। ठीक, देन फुल स्टॉप। हमने इसी तरह बाकी भी एफ तक प्यारा प्यारा सा काम करना है। ठीक, इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज बी, स्पेल एंड राइट। आपने स्पेल करना है यानी पढ़ना है और फिर लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वन कह रहा है यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेस, आपको दिए गए वर्ड्स को इस्तेमाल करना है जुमलों में। फर्स्ट वर्कआउट द स्पेलिंग, सबसे पहले आपने उसकी स्पेलिंग पे वर्क करना है। वो कैसे, एग्जाम्पल आपको दी हुई है, आपको जंबल वर्ड दिया हुआ है। ठीक, इसके अंदर आपने करेक्ट करना है जंबल वर्ड को, देन उसके अंदर आईएनजी, जैसे के एल ए डब्ल्यू, इससे क्या बनता है डब्ल्यू ए एल के, क्या बना वॉक, डब्ल्यू ए एल के वॉक, देन हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो क्या हो गया वॉकिंग, वेरी गुड। देन हमने उसका सेंटेंस बनाया द बॉय इज वॉकिंग टू द मार्केट, लड़का जो है वो मार्केट की तरफ चले जा रहा है। ठीक, अब इसी तरह हमारे पास है पी एल ए वाई, इससे क्या बनता है, हम इसको एक दफ़ा लिख कर देखते हैं, पी एल ए वाई, प्ले खेलना। इसके बाद क्या ऐड करना हमने आई एन जी, प्लेइंग। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका सेंटेंस बना है, छोटा सा आसान सा बना दें, जस्ट लाइक आई एम प्लेइंग, एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा सेंटेंस हमने बना लिया, कितना इजी सा, आई एम प्लेइंग। ठीक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट वन मैंने आपके लिए इस तरह प्यारा प्यारा सा डन कर दिया। अब आपने क्या करना है, बाकी बी सी डी ई, ये अब आपने खुद स्पेलिंग करेक्ट करनी है एंड देन इनके सेंटेंसेस बनाने। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।